हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेम्स ब्लॉग चैनल। तो मतलब आज मम्मी का बहुत याद आ रहा है, मतलब मम्मी का हाथ का खाना। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही कुक करूँगा जो मम्मी मुझे सिखाया था पहले, वो अरुणाचल वाला खाना, अरुणाचल थाली। और आप लोगों को मैं रेसिपी भी शेयर करूँगा कैसा बनाया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं बाज़ार, पोर्क या चिकन। ये चिकन बॉयलर नहीं, लोकल वाला चिकन जो, तो कौन सा मिलता है, जो पहले मिलेगा वही लेके आऊँगा। और आप लोग भी चलिए मेरे साथ बाज़ार आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया बाज़ार और ये आप लोग देख सकते हो दुनिया भर का चिकन है और मेरा चिकन यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक किलो हो तो इतो 850 चलिब 850 हो मान कि हम 380 ओके 380 कर दियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं पेमेंट करता हूँ 380। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर। पहुँच गया हूँ घर। ये देखिए आज का हम लोग का रेसिपी। एक किलो मंगा था लेकिन एक किलो नहीं हुआ, उससे कम है, 850 ग्राम बोला और लिया 380 रुपीज़। इसका भी चमड़ा भी छिलना है, उसका फीदर सब निकालना है। उसके लिए पहले गर्म पानी बैठाना पड़ेगा। गर्म पानी इसमें बैठा देता हूँ। इसको गर्म होने के लिए देता हूँ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तो लगेगा होगा, तब तक मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। बहुत गर्म लग रहा है, बहुत गर्म। पहले तो पानी ले लेता हूँ। बहुत मज़ा लग रहा है पानी पी के। ये रहा हम लोग का चिकन, इसका फीदर सारा निकाल दिया और इसका बदन में छोटा छोटा फीदर बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा गैस में आग में जला लेता हूँ, ज़रा देर नहीं लगेगा। तो छोटा छोटा फीदर लोग जल जाने के बाद इसको पीसिंग करते हैं। बहुत बढ़िया से चल रहे हैं सब फीदर, सब बहुत सुंदर से चल रहे हैं। आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी ऐसे ही चला लीजिएगा अगर चिकन नहीं निकालना है तो। लो बटरफ्लाई भी आ गया होगा। ओ बटरफ्लाई आ गया, ये मैं कहाँ घूम रहा था, आंटी के पास में बैठने चला गया था। टाइम नहीं मिलता है ना, तो अभी उसका पास में बैठ के आ गया। क्या कर रहे हैं आप? इसका कार्रवाई चल रहा है, छोटा छोटा फीदर लोग जला रहा है इसका। ओह माय गॉड, आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं हमें। क्या बात है, आज हम दोनों बना के खाने वाला है लोकल बॉइल्ड चिकन। ट्रेडिशनल वे ऑफ जैसे बना के खाता है वैसे ही हम दोनों बना के खाएंगे। और ये रेसिपी जो मेरी मम्मी सिखाया था हमको, इनका मम्मी का रेसिपी आज हमें खाने मिलेगा और आप लोगों को देखने भी मिलेगा बेशक। तो गैस मेरा हाथ में है अभी चिल्ली और आज कंप्लीट पूरा बॉयल खाएंगे, बॉयल बना के खाएंगे। और या आप लोग हम दोनों के चैनल में बने रहिए फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का लोकल गार्लिक। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप मीट को रोस्ट कर लेते हैं।
ये हम लोग का लोकल वाला गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट बना रहे हैं। हम लोग का चिकन के लिए जो हमारा पेस्ट रेडी हुआ था उसको अभी डाल देते हैं। हम लोग इसमें पानी भी डाल दिया, अभी थोड़ा सॉल्ट भी दे देता हूँ, पत्ते रहेगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बॉल यहाँ में तैयार हो रहा है और हम लोग चलते हैं ग्रीन लीव्स लेने के लिए। मूली का पत्ता ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हम लोग का बॉयल जो फ्रेंड्स कॉमन है, मतलब वो होना ही है। और मेरा घर में भी वही चलता था, मतलब पत्ता का बॉयल तो होना ही है, ग्रीन लीव्स का बॉयल। देखो यहाँ पे है मूली का पत्ता, मूली का पत्ता का बॉयल बनाते हैं आज। तीन मूली से हो जाएगा। मुझे कुकिंग करने के लिए बहुत मजा आता है, वो मेरा हॉबी है कुकिंग। क्योंकि घर पे हम लोग 5 ब्रदर्स हैं, बहन नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग घर में जितना भी लड़का लोग है सबको कुकिंग आता है और सब लोग पसंद भी करते हैं कुकिंग करने के लिए। अगर बहन होता तो बहन कुकिंग कर लेता, बट बहन ही नहीं था, मम्मी, मैं, पापा और 5 भाई, मतलब मुझे मिला के 5 ब्रदर्स। तो कुकिंग करना तो मम्मी सिखा दिया मुझे, इसके लिए कभी कुकिंग को लेके प्रॉब्लम फेस नहीं किया कहीं भी। देख सकते हैं हम लोग का मूली का लिप्स और मूली तैयार है। बिम्बू शूट दे देता हूँ थोड़ा सा, बेम्बू शूट 1 स्पून, फिर ढक देता हूँ, धीरे धीरे पकते रहेगा। ये हम लोग का पेस्ट और ये हम लोग का इनर्ट ऑयल नहीं लेंगे, हम लोग विदाउट ऑयल से कुक करेंगे। ये देखिए गाइस, हम लोग का चिकन बॉयल भी बना के रेडी है। लोकल मसाला पत्ता मैंने ऐड किया है तो इसका सूप पीने के लिए बहुत ही टेस्टी है। देख सकते हैं चिकन बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे है इनर्ट सिनोल विंग्स, इनर्ट्स सब मिक्स करके इसको बेम्बू शूट के साथ में, फर्मेंटेड बेम्बू शूट के साथ में स्पाइसी वाला चटनी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं गाइस मूली की बॉयल, ये हम दोनों का फेवरेट है ना। हम लोग का सिंपल लोकल थाली, अरुणाचल थाली रेडी है। ये हम लोग का मूली की पत्ती और मूली एंड इनर्ट चटनी, एंड ये हम लोग का चिकन बॉयल और राइस। डिनर भी हो गया लेकिन बहुत तीखा था चटनी। जो आप लोगों को ये रेसिपी और अरुणाचल का डिश कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।